हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का स्टडी 5.6 पर स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि जो यूपी बोर्ड कक्षा 12 में जितने सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट में 30% सिलेबस कम हुआ है। तो पहले मैं आपको हिंदी का बताऊंगा, फिर इसके बाद हिंदी में भी आप साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी, दो हिंदी होती है। आर्ट साइंस के बच्चे जो पढ़ते हैं वो साहित्यिक हिंदी पढ़ते हैं, और जो मैथ और बायो के बच्चे और कॉमर्स के बच्चे हैं वो सामान्य हिंदी पढ़ते हैं। तो ये मैं जो बता रहा हूँ ये साहित्यिक हिंदी है, ये साहित्यिक हिंदी है, बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा, साहित्यिक। इसके बाद मैं बताऊँगा कि सामान्य हिंदी में 30% सिलेबस क्या कम हुआ है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। बहुत से बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो इसके लिए आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षणिक सत्र 2020-2021 में समय से विद्यालय में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में 30% की सिलेबस जो है वो कमी की गई है। तो इसमें देखिए, आप गद्य में देखिए, लाल मिश्र का है, जो प्रभाकर रॉबर्ट नर्सिंग होम, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। हरिशंकर परसाई का है निंदा रस, ये भी आपको नहीं पढ़ना है गद्य में। इसके बाद गद्य में जितने भी पाठ बचते हैं वो सब आपको पढ़ना है। अभी मैं आपको वो सब भी बताऊंगा कि कौन से पाठ आपको पढ़ने हैं और वो कैसे एग्जाम होगा इस बार 2021 में, कितने प्रश्न बनेंगे, कितने नंबर के आएंगे, क्या क्या आएंगे, वो सब मैं कुछ आप सभी लोगों को बताऊंगा। तो बहुत ही ध्यान से इसे आप नोट कर लीजिए, गद्य में आपको ये तीन पाठ आपको नहीं पढ़ने हैं, जैनेन्द्र कुमार का, कन्हैयालाल मिश्र का, हरिशंकर परसाई का। इसके बाद आप देखिए, कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ है वस्तु, इसमें आप देखेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पर आप देखिए कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु भीष्म साहनी खून का रिश्ता, ये हटा दिया गया है। शिवानी जो लाठी है ये भी हटा दिया गया है। काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु कौन कौन से हैं, अब देखिए, आप कथा साहित्य आपको मालूम चल गया, जो आप कहानी पढ़ते हैं उसमें आपको खून का रिश्ता पाठ नहीं पढ़ना है, शिवानी लाठी ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ये आपका पाठ कैंसिल हो गया है। जितने और बाकी पाठ आपके बच रहे हैं कथा साहित्य जो कहानी है वो आपको पढ़नी है। तो यहाँ पर देखिए, काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु जो हैं, आपको काव्य में कौन कौन सा पाठ नहीं पढ़ना है, तो जगन्नाथ रत्नाकर का उद्धव प्रसंग ये आपको नहीं पढ़ना है, मैत्रेयी शरणगुप्त कैकेयी का अनुताप ये आपको नहीं पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद का गीत आपको नहीं पढ़ना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला संध्या सुंदरी ये आपको नहीं पढ़ना है, सुमित्रा नंदन पंत्र परिवर्तन ये आपको नहीं पढ़ना है, रामधारी सिंह दिनकर ये आपको नहीं पढ़ना है। आप इसे नोट कर लीजिए, इन पाठों के अलावा जो पाठ बच रहे हैं वही पाठ आप लोगों को पढ़ना है। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं, आप लोग पहले इनको नोट कर लीजिए। अब बात आती है संस्कृत दिग्दर्शिका, इसमें कौन से पाठ आपको नहीं पढ़ने हैं और कौन से पाठ पढ़ने हैं, तो ये जो पाठ आप देख रहे हैं जातक कथा ये आपको नहीं पढ़ना है, नृपति दिलीपा ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है, यानी 30% जो सिलेबस कम हुआ है वो मैं आपको ऊपर बता दिया, यही सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है, बाकी जितने 70% के सिलेबस बचे हैं वो आपको पढ़ना है। तो परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद वो मैं 70% सिलेबस जो आपको पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी जो मैंने आपको बताया वो आपको सिलेबस 30% था वो आपको नहीं पढ़ना है, तो देखिए कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत ही ध्यान से देखिएगा।
यहाँ से आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिए, मैं आपको सब कुछ वो बता रहा हूँ जो आपके लिए है। तो प्रयुक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम आपको पढ़ना है। ये कक्षा 12 हिंदी है, यानी साहित्यिक हिंदी है ये। तो पहला खंड का में 50% का बनता है, और खंड का खा जो है वो भी 50 अंक का बनता है। कुल मिलाकर 100 नंबर का पेपर होता है। पूर्णांक देखिए यहाँ पर 100 लिखा हुआ है। तो इसके बाद आप देखिए हिंदी साहित्य का विकास आपको पढ़ना है, इसी में आपको पता चल जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको पढ़ना है, पहले मैं आपको प्रश्न पत्र बता दे रहा हूँ। तो देखिए गद्य की पाठ्य पुस्तक दिए गए पाठों पर आधारित विभिन्न कालों में गद्य की भाषा संरचना, विधा में परिवर्तन, युग परिवर्तन, लेखकों का योगदान एवं प्रमुख रचनाएं, ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे, यानी ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे जो 5 अंक के होंगे, यानी 5 क्वेश्चन 5 अंक। काव्य साहित्य का विकास में आपको क्या पढ़ना है, आधुनिक काल पढ़ना है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता इत्यादि, इतने आपको पढ़ने हैं। ये आप कॉपी पर नोट कर लीजिए। काव्य प्रवृत्तियाँ, इनमें परिवर्तन, प्रतिनिधि, कवि एवं उनके प्रमुख कृतियाँ, ये भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। अभी आप यहाँ पर देखिए, ये आपके गद्य के प्रश्न थे और ये आपके काव्य के प्रश्न। तो गद्य से 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनता है और काव्य से भी 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं। टोटल 10 प्रश्न हो गए, 10 नंबर के होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन एक-एक नंबर का होगा। अब यहाँ पर तीसरा देखिए क्या बात है, पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न पढ़ने होंगे। जो अभी मैं आपको पांचों पाठ बताऊंगा वो आपको गद्य में से पढ़ने होंगे। 5 प्रश्न आएंगे, यानी पद्यांश दे दिया जाएगा, उसी में से 5 प्रश्न पूछा जाएगा और उन्हीं 5ों प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना होगा। चौथा देखिए, पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न आएंगे। तीसरा आपका बोल रहा है, जो आपके गद्यांश गद्य के पाठ हैं उनसे 5 प्रश्न आएगा और आपके जो पद्य हैं उनसे भी 5 प्रश्न आएंगे। इतना आप समझ गए। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर 5वां क्या बोलता है, संकलित गद्य के पाठों के लेखकों इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ये आपका 5 अंक का आएगा, यानी 5 नंबर का पूछा जाएगा। खा में क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए, काव्य श्रेष्ठ, कवि परिचय, जीवनी, साहित्यिक विशेषताएं, शब्द सीमा असीम होगा, ये आपका 5 नंबर का ये भी होगा, यानी आपका गद्य से 5 नंबर का जीवन परिचय आएगा और पद्य से भी 5 नंबर का जीवन परिचय आएगा। अब नीचे देखिए, यहाँ पर कहानी है, कहानी का चरित्र चित्रण, यानी कहानी जो है आपके पाठ हैं उनमें से क्या आपको पढ़ना है। तो कहानी का चरित्र चित्रण, कहानी के तत्व, तो अभी मैं आपको बताऊंगा वो पाठ कौन कौन से हैं, आप लोग चिंता ना करें। तो उन्हीं पाठों में से चरित्र चित्रण पूछा जाएगा, कहानी के तत्व तो पूछे जाएंगे, तत्वों पर आधारित प्रश्न, ये लघु उत्तरी प्रश्न होंगे, आपके 5 अंक के होंगे। और नीचे देखिए खंड, 7वां खंड काव्य से होगा, निम्नलिखित पर आधारित लघु उत्तरी प्रश्न 80 नंबर के होंगे, काव्य खंड काव्य। यहाँ पर देखिए खंड काव्य की विशेषताएं, पत्रों का चरित्र चित्रण होगा, प्रमुख घटनाओं पर आधारित प्रश्न होंगे। यहाँ पर देखिए खंड खा आपको दिखेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर पठित
आठवां प्रश्न होगा, पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों के संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, जो आपका पूछा जाएगा कितने नंबर का? 7 अंक। पूछा जाएगा। 9वां है, पाठों पर आधारित अति लघु उत्तरी प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर कोई 2 ही प्रश्न होगा और वो 4 नंबर का पूछा जाएगा, यानी एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, फिर एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, टोटल 4 नंबर। अब यहाँ पर देखिए काव्य सौंदर्य के तत्व, ये आपको सबसे मेन है। क वाला देखिए सभी रस पूछे जाएंगे, परिभाषा पूछा जाएगा, उदाहरण पूछा जाएगा, पहचान पूछी जाएगी, ये आपके 2 नंबर के पूछे जाएंगे। ख में क्या वो आएगा? अलंकार आएगा, एक ही आएगा शब्दालंकार, मतलब आपके क्वेश्चन एक ही आएगा, वो शब्दालंकार से होगा, या तो अनुप्रास या यमक या श्लेष, परिभाषा होगी और उसका उदाहरण लिखना होगा। दूसरा देखिए अर्थालंकार आएगा, इसमें आपको उपमा लिखना होगा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अनन्वय, प्रतीत, दृष्टांत तथा अतिशयोक्ति, इनमें से कोई एक आएगा, उसकी परिभाषा और उदाहरण लिखना होगा, ये आपके 1 नंबर के होंगे। या तो यहाँ से एक आएगा, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, या तो यहाँ एक, दोनों में से आएंगे, दोनों मिलाकर 1 धन 1 2 नंबर का होगा। अब नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए छंद आएगा, छंद में क्या पढ़ना होगा? मात्रिक, चौपाई, दोहा, सोठा, रोला, कुंडलिया, हरगीतिका, वरवे, लक्षण पढ़ना है एवं उदाहरण, ये आपके 2 नंबर के आएंगे। फिर वर्ण वृत्तांत में हिंद वज्जा, उपेंद्र वज्जा, सवैया, तीसरा है मुक्तक, मनहर, इसका भी लक्षण एवं उदाहरण पढ़ना है। 11 निबंध, हिंदी में मौलिक अभिव्यक्ति दिए हुए विषय पर निबंध लिखना होगा। जनसंख्या पे आएगा, पर्यावरण भी आ सकता है, स्वास्थ्य या शिक्षा आदि की जानकारी हेतु इन विषयों पर भी निबंध पूछे जाएंगे। यानी निबंध आपको अपने बुक में पीछे दिया होगा, सारे निबंध को देख लेना है, बहुत ही निबंध सरल होता है। खासकर यहाँ पर बता दिया गया है या तो जनसंख्या पर, या तो पर्यावरण या स्वास्थ्य शिक्षा पर, विशेष कर ध्यान से देखकर आप पढ़िएगा। अब यहाँ पर देखिए पूछा जाएगा संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में 13 एवं 14 से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, वो आपके प्रश्न होंगे, उसी में से आपको प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। 12 क्या है? संधि में आपको क्या पढ़ना है? स्वर संधि में पढ़ना है आपको एचओ अयावयावा एवं पदादांति एंड पर रूपम। व्यंजन संधि में क्या पढ़ना है? अस्तो सचनाष्टु सचनाष्टु झलाम झसझसी खरी मनो अनुस्वारा तोरली अनुस्वारस्य। यहाँ पर देखिए ये एक है, ये भी एक में आएगा, जहाँ जहाँ डैश लगा हुआ है उसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए, बस वही आपको पढ़ने हैं। फिर इसके बाद आपका आता है विसर्ग, यहाँ पर विसर्जनीय से पढ़ना होगा, सरयूज गुरुवा। फिर इसके बाद अतोरो रप लु तदा उलते, फिर इसके बाद हरीश, फिर इसके बाद रोरी। ख में क्या है? समास में क्या आपको पढ़ना है? होगा 13 में शब्दरूप पढ़ना है, संज्ञा क्या क्या पढ़ना है? देखिए आत्मन का, नामन का, राजन का, जगत का, सरित का। सर्वनाम में क्या पढ़ना है? इदम का, यद का और सर्व का। खम क्या पढ़ना है? यहाँ पढ़ देंगे धातु रूप में कौन सा पढ़ना है? लट लोट विधलिंग लड लिट। अवस्था का पढ़ना है, पाका पढ़ना है, नी का पढ़ना है, द का, क्री और चूर का पढ़ना है।
अब आपको मैं प्रत्यय बताता हूँ, प्रत्यय कौन से पढ़ने होंगे। कृत प्रत्यय, कत प्रत्यय, कत्वा, तद्यत, अनिर पढ़ने होंगे आपको। दूसरे में क्या होगा, तद्यत प्रत्यय में त्व पढ़ना है, मतु पढ़ना है, वतु पढ़ना है। घ में आपको क्या पढ़ना है, विभक्ति परिचय, अभिता का, परिता का, समया, निकषा, अप्रतियोगे, यानी ये प्रथमा विभक्ति आपको पढ़ना है, ये नांग विकारा पढ़ना है। ये आप देख लीजिएगा किस विभक्ति में आ रहे हैं, वही आपको, वही विभक्ति आपको पढ़नी है। सयुक्ते या प्रधाने, नमः, स्वास्तिवाहा, स्वधालाम, सट, योगाश्च पढ़ना है। षष्ठी से यत स चिन्ह धारणम। फिर इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर देखिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। एक आता है आपके लिए, 14 प्रश्न बनेगा, हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। अब मैं आपको बता दिया कि आपका पेपर कैसे आएगा, आपने देख लिया कितने नंबर का आएगा और कैसे आएगा। अब मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना होगा। कैसे आएगा और क्या क्या पूछा जाएगा। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ आपको कौन कौन से पाठ पढ़ने होंगे, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा। पहला है गद्य के लिए, लेखक का नाम है वासुदेव सरण अग्रवाल, राष्ट्र का स्वरूप आपको पढ़ना है, डॉक्टर हजारी प्रसाद पढ़ना है, पंडित जवाहरलाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आपको पढ़ना है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी को पढ़ना है। फिर इसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को पढ़ना है। अब देखिए काव्य में क्या आपको पढ़ना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र पढ़ना है, जगन्नाथ रत्नाकर को पढ़ना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद को पढ़ना है। फिर इसके बाद आपको मैं दिखा रहा हूँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को पढ़ना है, सुमित्रा नंदन पंत को पढ़ना है, महादेवी वर्मा को पढ़ना है, रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ना है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का पाठ पढ़ना है, विविधा आपको पढ़ना है। जितना मैं आपको दिखा रहा हूँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये सभी आप सभी लोगों को पढ़ना होगा। विविधा में आप देख लीजिए, नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती। अब कथा साहित्य हेतु निर्धारण, हरीश्वरनाथ रेणु को आपको पढ़ना है, अमरकांत को आपको पढ़ना है, शिव प्रसाद सिंह को पढ़ना है। अब मैं आपको नाटक बताता हूँ, आपको नाटक कौन सा पढ़ना है, किस जिले के लिए, आप जिस जिले में होंगे वही नाटक आपको पढ़ना होगा। अगर आप पहला देखिए, अगर आप कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, ललितपुर से होंगे तो आपको मुक्ति यज्ञ लेखक श्री सुमित्रा नंदन पंत जी का पढ़ना होगा। प्रकाशन भी आप देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिएगा, जो प्रकाशन चलता हो वही आप पढ़िएगा। दूसरा सत्यजीत की जीत, लेखक श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी हैं, ये आपको पढ़ना है, झांसी वालों को, बदायूं को, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत, लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर वालों को पढ़ना है। रश्मिरथी लेखक रामधारी सिंह दिनकर, ये वाराणसी वाले बच्चों को पढ़ना है, बुलंदशहर वालों को पढ़ना है, मथुरा को पढ़ना है, मुजफ्फरनगर को पढ़ना है, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया, इन जिलों में रामधारी सिंह दिनकर का रश्मिरथी पढ़ना है। चौथा देखिए, बकिया, अगर आप वाराणसी से हैं तो आप दूसरा और पहला नहीं पढ़ेंगे, पचवा भी नहीं पढ़ेंगे, छठवा, जो मैं बताऊंगा जिस जिले में होंगे वही चीज़ आपको पढ़ना है। तो आलो कुबीर मैनपुरी, मिर्जापुर, सीतापुर, ये आपको आलोक वृत्त लेखक श्री गुलाब खंडेलवाल का पढ़ना है। फिर इसके बाद पचवा है त्यागपत्री लेखक श्री रामेश्वर शुक्ल आंचल, ये आपको पढ़ना है, आगरा वालों को, गोरखपुर वालों को, गाजीपुर वालों को, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहाँपुर, बाराबंकी, इन लोगों को
त्यागपथी पढ़ना है। छठवां देखिए, श्रवण कुमार लेखक श्री शिव पालक शुक्ल, ये आपको पढ़ना है। मेरठ वालों को, आजमगढ़ वालों को, बस्ती वालों को, रायबरेली वालों को, हरदोई, बांदा, बहराइच, हमीरपुर, इतना समझ के आपको जो नाटक है वो किस जिले में कौन सा चलता है वही आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद आप देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छे से नोट लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त अन्य जिलों, नवसृजित जिलों में खंड काव्य पूर्व की भांति यथावत पढ़ाए जाएंगे। यानी अगर नया कोई जिला बना हुआ है उसमें जो पहले चलता था वही पढ़ाया जाएगा। संस्कृत में आपको क्या पढ़ना है देखिए, भाजस्य औदार्यम पढ़ना है, संस्कृत भाषा महत्वम पढ़ना है, आत्मक सर्वज्ञ पढ़ना है, ऋतुवर्णम पढ़ना है, महर्षि दयानंद पढ़ना है, सुभाषित रत्नानी, महामना मालवी पढ़ना है, पंचशील सिद्धांत पढ़ना है, दूत वाक्यम पढ़ना है, परिशिष्ट व्याकरण में शब्द रूप धातु रूप आपको पढ़ना है। तो आपके सारे जो आपको सब कुछ पढ़ना है सारे सिलेबस में आपको बता दिया, जो नहीं पढ़ना है वो भी बता दिया, एग्जाम के पैटर्न भी बता दिया। अगर आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया हो तो तहे दिल वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अभी मैं साहित्यिक हिंदी अपलोड किया हूँ ये वीडियो, अभी मैं सामान्य हिंदी भी आपको बता दूंगा क्या पढ़ना है क्या नहीं।